हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू इम्तियाज मॉल एंड पेशावर। रास्ते में आपको जानवर इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि कल ईद है। एंड ये देखिए, हम पहुंच गए फाइनली। तो इम्तियाज पहुंचने के बाद हमें मिला ज़बरदस्त सेल, और यहाँ पर मेरी मामा ने देखी ढेर सारी लड़कों की शर्ट्स, उसी के साथ कॉटन स्टफ का पाजामाज जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस में थी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये थी कुर्ताज फॉर ईद। अगर आप लोग इम्तियाज आए तो अपने लिए ज़रूर एक कुर्ता खरीद के जाए क्योंकि प्राइस में बहुत अच्छी थी। उसके बाद मुझे दिखा बेबीज़ का ये अलमीरा जो कि बहुत ही क्यूट था, साथ ही साथ छोटी बेबीज़ की कार्स और ढेर सारी और चीज़। इम्तियाज में लाजवाब किस्म की वेराइटी है। शुरू में इनके प्राइस भी इसी तरीके से अच्छे थे लेकिन अब नहीं। देखा, एंड जैसे कि आपको पता है कि कल ईद है तो हर जगह आपको ग्रिल वगैरह मिलेंगे, तो ये पेशावर में ही नहीं पाकिस्तान के हर शहर में। एंड साथ ही साथ हमने यहाँ से एक ग्रिल वे किया। आप लोग मुझे बताइए जो फ्राइस है इसकी, ये ठीक है या ज़्यादा है, ठीक है। बस इसके बाद हम आए यहाँ जो बेबीज़ गर्ल होती हैं उनकी ड्रेसेस पर, और यहाँ हमने शॉपिंग की जिसको आपको मैं बाद में बताऊँगी, बहुत ही क्यूट शॉपिंग की। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो छोटू के लिए शॉपिंग की वो की मामा ने मैंने, बट इन्होंने मुझे कहा कि अलाउड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर भी छुप छुप के बनाऊँगी वीडियोज़ क्योंकि मैं आई हूँ इसीलिए। और फिर हम लास्ट में आए बेकरी पर, और यहाँ से मैंने अपने लिए बनाना केक लिया। फिर फ्रूट्स पर, फ्रूट्स से हमने ढेर सारे मैंगोज ली। मैंगोज पर भी पता नहीं यहाँ क्या हुआ था, बहुत अच्छी सेल थी। एंड फिर कुछ ग्रोसरी शॉपिंग, एंड लास्ट में भूख लगी थी तो बर्गर्स और उसी के साथ ये यमी यमी पिज्ज़ा। 15 मिनट्स में इन्होंने हमें तैयार करके दिया। साथ ही कल ईद है तो हमने कुछ स्वीट्स लिए हैं। हम लोग नहीं खाते, डाइट पर होते, पर कल हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, सो ईद में स्वीट्स ना हो तो फिर ईद ही क्या हुई। और ये है हमारा पिज्ज़ा जो कि बहुत ही टेस्टी था। अगर आपके मुँह में पानी ना आए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। और ये देखे हम वापस जा रहे अपने घर। रास्ते में हम रुके थे CSD जहाँ से ग्रोसरी का कुछ और सामान लेना था, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आज का वेदर औसम था। उसी के साथ घर पहुँचने के बाद ये कुकीज़ और साथ ही मेरी ज़बरदस्ती चाय, बस हम ये इंजॉय करेंगे। एंड यहाँ पर वेदर भी साथ साथ हवाएं शुरू हो गई थी, और मैं मामा से यही कह रही थी कि मामा ये देखे अल्लाह की कुदरत, आज मौसम कितना सुहाना हो गया। इन दिनों कितनी गर्मी थी, एंड जब ईद नज़दीक आई तो मौसम सुहाना हो गया। सो उम्मीद है आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।